सर आज क्या दिखाने लाए हो आज हमें? आज मैं 3 BHK फ्लैट 3 बाथरूम के साथ रोहिणी की सेक्टर 9 जगह में ऐसा फ्लैट दिखाने लाया हूँ जिसकी पूरी वास्तु से डिजाइन है ये फ्लैट पूरी तरह से। और आप अगर इसकी बालकनी में खड़े होते हैं तो आपको डायरेक्ट मंदिर में दर्शन होते हैं। इससे बढ़िया आपको लोकेशन नहीं मिलेगी कि आप बालकनी से डायरेक्ट मंदिर में दर्शन कर सकते हैं अपने। और नॉर्थ वेस्ट एंट्री है इसकी और एक साउथ वेस्ट एंट्री है, 3 तरफ से एंट्री है इसकी, खुला ओपन चारों तरफ से ओपन है ये, लेकिन एंट्री 3 तरफ से है, चौथी तरफ से एंट्री नहीं दे रखी है। 3 तरफ से एंट्री है, 3 साइड ओपन मानो, चौथी तरफ भी ओपन है, वो पैसेज दिया हुआ है बालकनी की तरह से। आइए फ्लैट देखते हैं। तो मतलब हमें स्टार्टिंग में एक पॉजिटिविटी दिख गई कि मंदिर आपके बिल्कुल सामने है, बाकी जो मेन फ्लैट की एंट्री है वो यहाँ से होने वाली है। आइए, तो यहाँ से मेन एंट्री है। आइए फ्लैट। चलो जी, क्या बात है। ये आपको ड्राइंग रूम मिलने वाला है फॉल सीलिंग के साथ, LCD पैनल लगा हुआ है, दरवाजे, शीशा। आपको आइए मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ जिसमें हमने वॉशिंग एरिया का भी बंदोबस्त किया हुआ है। इसमें आप वॉशिंग एरिया भी जनरेट कर सकते हैं, वॉशिंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं विद स्टोरेज, स्टोरेज भी ऊपर। आपको इस फ्लैट के अंदर 1 रुपये का भी खर्चा नहीं करना है, रेडी टू शिफ्ट है। अच्छा, तो यही वो एरिया, यहाँ से आप खड़े होकर मंदिर भी अपना व्यू देख सकते हैं और बाकी ये ड्राइंग रूम से अटैच है ये जो है ना वॉशिंग एरिया। ठीक है जी। और ये मिरर वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा बना रखा है, पैनल वैनल सब कुछ बना हुआ है, कुछ कराने की जरूरत पड़ने नहीं वाली मेरे ख्याल से। बिल्कुल 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, आपको सिर्फ शिफ्ट होना है और शिफ्ट होके अपना रेडी टू लिव इन है। इसका एक ये बेडरूम है, इसके 3 बेडरूम है इसमें, और तीनों ही बेडरूम में बाथरूम अटैच है, तीनों ही बेडरूम में वॉशरूम अटैच है। देखिए बी का बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है LCD पैनल के साथ, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी है, आप प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी है, आपका ड्रेसिंग टेबल इंक्लूड है, आपकी वेंटिलेशन है, हर कमरे से वेंटिलेशन है। आप बाथरूम देखिए प्रॉपर, कितना स्पेशियस बाथरूम है यहाँ, हर एक बाथरूम में हर एक में जैगुआर की फिटिंग है, फिटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जैगुआर आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने बोला था कि हर रूम के साथ आपको वॉशरूम मिलने वाला है, सच में मिलने वाला है? सच में, तीनों बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है और इतना स्पेशियस वॉशरूम है हर एक जगह। ये 1300 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और चारों तरफ से ओपन फ्लैट है, 4 साइड ओपन फ्लैट है और ग्राउंड फ्लोर पे ये फ्लैट अवेलेबल है। ग्राउंड फ्लोर पे जिसके साथ पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के रहने की दिक्कत है, ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर की फैसिलिटी रोहिणी में और इतनी बढ़िया इसकी डिजाइनिंग की हुई है, 4 साइड ओपन फ्लैट बहुत ही मुश्किल है मिलना रोहिणी में। तो इसके साथ ही मिलने वाला है आपको किचन एरिया, किचन तो बहुत अच्छे से बना रखी है, ओपन किचन है और स्पेस बहुत अच्छा दे रखा है। ये आप किचन देखिए, किचन आजकल ओपन मॉड्यूलर किचन का कंसेप्ट है। आप स्टोरेज देखिए, ऊपर तक स्टोरेज है, प्रॉपर पूरी स्टोरेज ऊपर तक बनी हुई है, ये देखिए ये पूरी स्टोरेज है प्रॉपर, नीचे भी पूरी फिटिंग है, बाकायदा कटलरी सब कुछ सारे बंदोबस्त हैं। और किचन का साइज भी आप छोटा नहीं कहेंगे, इसका वॉशिंग एरिया किचन का बिल्कुल सेपरेट है, ऊपर बर्तन रखने की फैसिलिटी बिल्कुल प्रोवाइड ऐसे किया गया है कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आप वॉशरूम इसमें किचन में बर्तन धोइए और ऊपर अपने वहीं बर्तन सूखेंगे। आइए आप तीसरा सेकेंड बेडरूम दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें भी देखिए सेकेंड बेडरूम में भी ड्रेसिंग टेबल है, LCD पैनल है, वार्डरोब है, वार्डरोब हर एक रूम में वार्डरोब की फैसिलिटी अवेलेबल है कि कहीं भी रहने वाले को स्टोरेज की दिक्कत ना आए। उसी के साथ वॉशरूम देखिए, कितना स्पेशियस वॉशरूम है, सभी वॉशरूम बड़े ही स्पेशियस हैं, सभी में जैगुआर की फिटिंग है, एग्जॉस्ट की फिटिंग है, एग्जॉस्ट की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, वेंटिलेशन प्रॉपर वेंटिलेशन अवेलेबल है, LCD पैनल है, हर रूम में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, प्रॉपर फॉल सीलिंग है हर रूम में, AC डक्ट छोड़े गए हैं प्रॉपर कॉपर वायर के साथ। ये देखिए थर्ड रूम में भी हमारे पास ड्रेसिंग टेबल, LCD पैनल, वार्डरोब, प्रॉपर फिटिंग की गई है, नीचे शूज के रखने की जगह वार्डरोब में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए पूरी फैसिलिटी, LCD। ये देखिए
वॉशरूम अटैच है इसके साथ भी, थर्ड बेडरूम के साथ भी वॉशरूम अटैच है। इसमें देखिए प्रॉपर स्पेस कितना है, प्रॉपर एग्जॉस्ट, प्रॉपर वेंटिलेशन हर एक वॉशरूम में। क्या बात है, आपने बोला था कि हमें थ्री साइड ओपन मिलने वाला है, टू साइड तो हम देख चुके हैं। थ्री साइड देखिए, अब ये इसकी एग्जिट है, आप ये देखिए जो बोला था वो सारी चीज मिलेंगी, जो बोला है वो सारी चीज मिलेंगी। ये देखिए आप, ये एक यहाँ भी हम अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, ये भी स्पेस अपने पास है, और ये इधर भी पैसेज खुला हुआ है, फोर्थ साइड भी ओपन है, ये भी पैसेज खुला हुआ है, आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली है, चारों तरफ से ओपन है फ्लैट। सर हमने पूरा फ्लैट तो देख लिया, बहुत ही अमेजिंग है, बाकी और फ्लैट से अलग कैसे है ये? आप ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पे प्रॉपरली रेनोवेटेड फ्लैट, और इतना अच्छा रेनोवेटेड, और फोर साइड ओपन, फोर साइड वेंटिलेशन, नियर बाय टेम्पल, इतनी साफ सुथरी सोसाइटी, बहुत ही रेयर अवेलेबिलिटी है रोहिणी में ऐसे फ्लैट्स की, बहुत ही रेयर अवेलेबिलिटी है, और इतनी रेयर अवेलेबिलिटी है कि इसीलिए प्राइस शूट अप करते चले जाते हैं, जैसे ही मार्केट में आता है प्राइस शूट अप करते चले जाते हैं। तो कनेक्टिविटी अगर मैं पूछूं यहाँ, कनेक्टिविटी रोहिणी की आपको पूछने की, सेक्टर 9, 13, 14 की आपको कनेक्टिविटी किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, रोहिणी में जो इंटरेस्टेड है उसे पता है सेक्टर सबसे बेस्ट कौन से हैं, 9, 13, 14, और ये सेक्टर 9 में सोसाइटी में फ्लैट अवेलेबल है। अच्छा, और इस बहुत ही क्रीम सोसाइटी अवेलेबल है, मेन रोड की सोसाइटी है, बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, कनेक्टिविटी वॉकिंग डिस्टेंस मेट्रो से है इसका, बस रूट भी सामने से ही है, बस भी यहीं से जाती है, स्कूल यहीं पे है, पास में ही है, पार्क पास में, सभी कुछ पास में ही है। जी बिल्कुल, हमारा मतलब लोन फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें 90% फैसिलिटी आपको लोन की बैंक हर एक बैंक से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिस बैंक पे आप हाथ रखेंगे उसी बैंक से आपका लोन हो जाएगा। तो हम कितने पैसे लेके आएंगे फ्लैट? आपको सिर्फ 10% अमाउंट लेके आनी है, 10% अमाउंट लेके आइए, बाकी 90% बैंक प्रोवाइड करेगा, और रजिस्ट्री के चार्जेस भी बैंक प्रोवाइड करेगा। और बताइए बात है, बाकी अब बता दो कि प्राइस क्या होने वाला है इस फ्लैट का? इस फ्लैट की डिमांड है 240 इस फ्लैट की डिमांड है। तो जो ऑडियंस जो देख रही है वो आपका ही क्यों भरोसा करे, आपकी बात का जो आप बोल रहे हैं? देखिए मैंने पहले भी बताया है, जैसे टाटा का लोहा है धासु, प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ आंसू, आप आइए आसुजी एसोसिएट्स पर। क्या बात है, और दिए गए नंबर्स पे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फ्लैट बहुत अमेजिंग लग रहा है, और यहाँ पे सिर्फ आपने सामान उठाना है, अपना शिफ्ट हो जाना है, कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसी डील्स के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो अपना ड्रीम फ्लैट ढूंढ रहे हैं, वो भी रोहिणी में।